तुलसी के व्रत से साढ़े साथी और शनि ढैया का प्रभाव होगा कम। जानिए इसके लाभ और पूजा का मुहूर्त मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। सनातन धर्म में शनि त्रयोदशी का व्रत बेहद शुभ माना गया है क्योंकि यह शनिवार को पड़ता है और इस पर शनिदेव का प्रभाव होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माह में दो बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। इस बार यह कृष्ण पक्ष के दौरान मनाया जाएगा। यह दिन भगवान शंकर और माता पार्वती और भगवान शनि की पूजा के लिए समर्पित है। इस महा व्रत 6 अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन रखा जाएगा। शनिवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शनि त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन का उपवास करने से शनि देव की साढ़े साथी और शनि की ढैया का प्रभाव कुंडली में कम होता है। जी हाँ, साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी प्राप्त होती है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल को 10:19 से होगी और वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 7 अप्रैल को 6:53 तक होगा। वहीं पूजा का समय 6 अप्रैल को शाम 6:02 से रात्रि 8:21 तक ही रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने से कई प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो साधक यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें मानसिक अशांति, चंद्र दोष, नौकरी में पदोन्नति, दीर्घायु, शनि की कृपा, ये सभी चीजें मिलती है। इसके साथ ही भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों को संतान नहीं है उन्हें संतान का वरदान भी देते हैं। ऐसे में यह उपवास सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला भी माना गया है। साधक सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा कक्ष को साफ सुथरा करें। जी हाँ, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद शनि त्रयोदशी व्रत का संकल्प लें। एक वेदी पर भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद पंचामृत से उन्हें स्नान कराएं। वही सफेद चंदन कुमकुम का तिलक भगवान को लगाएं। इसी के साथ देसी घी का दीपक जलाएं। पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें क्योंकि यह शिव जी को अति प्रिय है। इसके बाद फल, मिठाई और खीर का भोग भगवान को लगाएं। साथ ही शिव चालीसा, शिव तांडव स्त्रोत का पाठ भी आप करें। प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें। अंत में आरती से पूजा को समाप्त करें। इसके साथ प्रदोष पूजा हमेशा शाम के समय में की जाती है, इसलिए शाम के समय पूजा जरूर करें। वहीं पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और भगवान शनि देव का आशीर्वाद लें। पूजा समाप्त करने के बाद सात्विक भोजन से अपना व्रत खोलें। पूजा के समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपका मुंह उत्तर पूर्व दिशा की ओर हो। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। धन्यवाद।